हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक साल के बच्चे के लिए क्या बनाएंगे। ये जो मैंने फैब्रिक लिया है, इसकी चौड़ाई ली हमने 18 इंच और इसकी लेंथ ली हमने 8 इंच, 8 इंच और 18 इंच। इस तरह से हम इसको डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद जहाँ से हमारे फेस के ऊपर है, जहाँ से हमारे फेस के ऊपर ये जो पोर्शन आएगा वहाँ पे हम इसे थोड़ा कट लगाएंगे सेंटर में। यहाँ हमने सेंटर में कट लगाया। अब हम इसको जिस सेंटर में वहाँ पे हम थोड़ा सा दो तीन दूर दूर पे प्लेटें डालेंगे, इधर से दो और इधर से दो। इस तरह से हम थोड़ा सा इस तरह से प्लेट डालेंगे। ये सब प्लेटें डालने के बाद जो हमारे इधर की लेंथ है, ये चौड़ाई है, ये 16 इंच आनी चाहिए। प्लेटें डालने के बाद 16 इंच, इस तरह से 16 इंच आनी चाहिए। तो ये हमने 18 इंच का लिया, तो 2 इंच के हम प्लेटें डालेंगे और तैयार रहेगा 16 इंच। अब इसके अपोजिट हम दूसरी साइड की प्लेट डालेंगे। इस तरह से हमने सेंटर से दो इस साइड और दो इस साइड दो दो प्लेटें डाली है। अगर आपको ज़्यादा घेर डालनी हो तो 2 इंच और एक्स्ट्रा ले लेना चौड़ाई में, तो यहाँ पे और एक्स्ट्रा और प्लेटें पड़ेगी। तो यहाँ पे हम कमी प्लेट डाल रहे हैं। अब हम इसके ऊपर एक पट्टी लगाएंगे। ये मेरे पास पट्टी है आपको। अब हम जो पट्टी लिए इसे कैप के रंग साइड से इसे सिलाई देंगे एक साइड से। जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेंगे। अब हम ये जो पट्टी है इसको इस तरह से ऊपर की ओर फोल्ड करके इसके ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने एक साइड सिलाई दे दी। अब हम इसके ऊपर भी, ये मैंने लेस लिए, जो लेस ये जो हमने बॉर्डर लगाई कि आपको उसके ऊपर हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगाएंगे।
इस तरह से हमने ये लेस ज्वाइन कर ली। अब हमने ये बैक साइड पे लगाने के लिए पट्टी निकाली है, ये हमने ली 3 इंच चौड़ी और इसकी लंबाई ली 4 इंच। इस तरह से हमने ये पट्टी ली। अब इसको हम फोल्ड करेंगे और इसको हम थोड़ा सा हल्का सा गले का शेप देंगे एक साइड में। इस तरह से हमने यहाँ ऊपर की ओर हल्का सा गोले का शेप दिया है। अब हम इसे इस तरह से ये ज्वाइन करेंगे। ये जो राइट साइड है, राइट साइड पे राइट साइड रखेंगे इस तरह से, और इसे यहाँ से ज्वाइन करेंगे। और जो गोले का शेप है यहाँ से हम थोड़ा सा नीचे की ओर से फ्रिल लगाएंगे इसकी। इस तरह से फ्रिल लगाते जाएंगे, यानी कि प्लेटें डालती जाएंगी। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे, यहाँ जो गोले का शेप है उसके थोड़ा नीचे से यहाँ से प्लेटें डालेंगे। पहले हम ये दोनों साइड से हम इसे ज्वाइन कर लेंगे, इतना ही 1.5 इंच पे हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। बाद में जो बचेगा इसे हम पिनअप से प्लेटें डाल के इसको पहले अटैच करेंगे, बाद में हम सिलाई लगाएंगे। अब इसे हम इस तरह से प्लेटें डालेंगे। कितना कपड़ा बचा है उसके हिसाब से आप उतने एडजस्ट कर सकते हैं प्लेट डालना, इसलिए आप पहले कच्चे टाके से या फिर जो पीने उससे पहले आप हाथ से प्लेट डाल ले, बाद में सिलाई करें इसकी। ये देखिए हमने इन्हें पिनअप लगा के इस तरह से प्लेट्स डाल ली है दोनों साइड से। अब इसे हम सिलाई लगाएंगे और पीने निकाल लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से दिखेगी। हमने इसको बैक साइड की सिलाई दे दी। अब हम यहाँ जो साइड को है यहाँ पे हम थोड़ा सा 1-2 प्लेट डालेंगे इस तरह से। यहाँ पे हम 3 प्लेट डालेंगे और दूसरे साइड से भी 3 प्लेट डालेंगे। हमने दोनों साइड से प्लेटें डाल ली। हमने डोरी के लिए
जो हमने फेस के ऊपर जो पट्टी लगाई वही हमने ली है। तो ये मैंने 30 इंच लंबी ली है। इसका हम सेंटर निकालेंगे, इस तरह से हम इसको डबल फोल्ड करके इसका सेंटर निकालेंगे इस तरह से। और ये जो कैप है इसका भी हम सेंटर निकालेंगे इस तरह से। और हम इसके राइट साइड पे ये जो पट्टी, इसे भी हम ये जो सेंटर निकालिए इस तरह से हम सेंटर पे सेंटर रख के इसको एक सीधी सिलाई लगाएंगे इस तरह से सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो रॉन्ग साइड से भी इसे इस तरह से रख के ऊपर की ओर फोल्ड कर सकते हैं। इस तरह से रॉन्ग साइड्स को रख के इसको ऊपर की ओर फोल्ड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सेंटर रख के इसको सिलाई लगाएंगे। दूसरे साइड से भी सिलाई लगाएंगे। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। यहाँ से पहले हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे जो हमने डोरी के लिए एक्स्ट्रा छोड़ा था, और इसे सिर्फ फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम इसको सिलाई लगाएंगे। आपको जितनी बारीक बनाना हो उस हिसाब से बना सकते हैं। और लास्ट में हम इसे इस तरह फोल्ड करेंगे और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। मैंने एक कपड़ा लिया है, इसे डबल फोल्ड किया। इसके हम स्क्वायर में बराबर 2 पीस लेंगे। इस तरह से, और इसको हम इस तरह रख देंगे। और जो डोरी है उसको हम इस तरह से लेंगे।
यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। सीधा करेंगे इसके कॉर्नर थोड़े कट कर देंगे, गोले का थोड़ा शेप देंगे हम। इस तरह से दूसरे साइड का हम इसी तरह बनाएंगे। इस तरह से कैप तैयार है। इस तरह से कैप तैयार है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।